हाय गाइस, आज मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश की में चलने वाली प्रमुख योजनाओं के बारे में बताने वाला हूँ, जो एग्जाम्स में तो पूछे ही जाते हैं अक्सर, और लेकिन इसके साथ ही इंटरव्यू के लिए भी बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। हालांकि मैंने अपना जो भी वीडियो अभी 13 से 15 जून वाला डाला है, उसमें इंटरव्यू में पूछे गए योजनाओं को मैंने अपडेट नहीं कर पाया था, तो आज मैं आप लोगों को वो योजनाओं के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसमें समस्त योजनाएं सिर्फ यूपी में चलने वाली योजनाओं के बारे में दिया गया। चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश में चलने वाली प्रमुख योजनाएं। उत्तर प्रदेश में योगी बुनकर योजना, जो पहले से ही समाजवादी हथकरघा बुनकर पेंशन योजना नाम से जाना जाता था। दूसरा योजना है ये सबला योजना है, जो पहले पिछली सरकार में चल रही थी, जो आज भी मतलब की है। ये भी इम्पोर्टेंट है। इसका शुभारंभ 22 फरवरी 2011 को राज्य के 22 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 11 से 18 वर्ष की जो किशोरियां स्कूल नहीं जा सकती हैं, उनके स्वास्थ्य और शिक्षा के और कौशल संबंधी सुधार के लिए ये सबला योजना का शुरुआत किया गया था। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग कोई भी आते हैं तो पूरा वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि पूरा वीडियो आप देखेंगे तभी सारे इम्पोर्टेंट नॉलेज आप ले सकेंगे। चलिए आगे। अगला है जो वो रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना, इसका शुभारंभ 9 जुलाई 2012 को किया गया, 9 जुलाई 2012 को किया गया था। ये भी पहली सरकार की पिछली सरकार की योजना थी। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना की शुरुआत की गई 2000 और 2001 में की गई थी। व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना, इसको नवंबर 2008 में आरंभ किया गया था, जिसके तहत दुर्घटना में मृत्यु होने पर 4 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है। अगला जो है वो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ 10 दिसंबर 2005 से किया गया था। ये 10 दिसंबर 2005 को किया गया था ये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ। आता है ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग रोजगार योजना, ये जो है नई सरकार, जो योगी सरकार है, उनकी तरफ से चलाई जा रही है ये योजना। ये 25 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शीघ्र ही प्रारंभ किए जाने वाली पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग रोजगार योजना के बारे में जानकारी दी है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल तथा के 24 जनपदों में एक जनपद एक उत्पाद के अंतर्गत चिन्हित उद्योगों को वरीयता प्रदान की जाएगी। ये आप ध्यान रखिएगा कि एक जनपद एक उत्पाद किस लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है। चलिए इसमें देखते हैं आगे क्या और क्या क्या है। इसके अंतर्गत खनिज वन कृषि खाद बहुलक रसायन इंजीनियरिंग तथा गैर परंपरागत ऊर्जा और वस्त्र एवं सेवा आधारित उद्योग पात्र संभावित समूह के रूप में होंगे। इसमें ये बताया गया कि इसके जो भी उद्योग जो इसमें पात्रता के काबिल हैं वो सब हैं, वह खनिज वन कृषि खाद बहुलक रसायन इंजीनियरिंग तथा गैर परंपरागत ऊर्जा वस्त्र एवं सेवा आधारित उद्योग पात्र संभावित समूह के रूप में होंगे। अगला जो है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, ये अक्सर पूछा जा रहा है इस समय इंटरव्यू में ये योजना, और इससे पहले ग्रामोद्योग योजना और एक है भाग्य लक्ष्मी योजना। ये सब कुछ योजनाएं हैं जो इस समय जो चल रही हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इंटरव्यू में पूछी जा रही है। चलिए देखते हैं मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में क्या है। मुख्यमंत्री के सामूहिक विवाह योजना का शुरुआत 3 अक्टूबर को हुआ है, 2017 को संपन्न हुआ था। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना शुरू किए जाने का निर्णय लिया गया था। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जो नए नए हमारे जो यूजर्स हैं वो सब पहली बार जो वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूले, और साथ में नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन होता है उसे जरूर दबाएं, ताकि मैं जो भी नए नए वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक आसानी तक। इसमें और क्या है, इस योजना में सरकार प्रति जोड़े 35,000 रुपये की धनराशि व्यय करेगी, प्रति जोड़े 35,000 की धनराशि व्यय करेगी, और
सामूहिक विवाह कार्यक्रम में न्यूनतम 10 जोड़ों का होना अनिवार्य है। इस योजना के अंतर्गत सभी वर्गों के पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किए जाने हेतु 250 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। इसमें सरकार की तरफ से ये 25,000 रुपये प्रति जोड़े पर खर्च किए जाएंगे तथा 10 जोड़ों का ये कपड़ों का यहाँ पर विवाह में होना अनिवार्य है। आगे चलिए देखते हैं निःशुल्क विद्युत कनेक्शन योजना, ये भी बहुत ज़्यादा चल रही है इस समय योजना। इस योजना में देखते हैं 30 जून 2017 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहरी गरीब परिवार के निःशुल्क विद्युत कनेक्शन योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का शुभारंभ जो किया गया है वो 30 जून 2017 को किया गया है। गरीब परिवार जिनका नाम बीपीएल सूची में नहीं है और राज्य सरकार द्वारा ऐसे परिवारों को दूसरे चरण में बिजली कनेक्शन की सुविधा प्रदान की जाएगी। मतलब जो बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत जो आते हैं, इस सूची के अंतर्गत आते हैं, और जिसके बीपीएल कार्ड मतलब जो इसमें नहीं आते हैं, बीपीएल सूची में नहीं आते हैं, तो उन लोग का जो है वो मुफ्त बिजली कनेक्शन होगा। और मुख्यमंत्री ने विद्युत उपभोक्ताओं के लिए इस अवसर पर ई निवारण मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ किया है, ताकि ई निवारण मोबाइल ऐप से आप जो भी समस्याएं हैं या फिर इस बिजली से रिलेटेड वो सब आप इसमें बता सकते हैं। ऐसे और भी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो कि एग्जाम्स और इंटरव्यू में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देंगे तो मैं उसे अपने अगले वीडियो में डाल दूंगा। और एक चीज़ आप लोग ये नहीं करते कि आप लोग बताते नहीं हैं कि कैसा ये वीडियो रहा, ये आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि कैसा वीडियो रहा, और लाइक करें और शेयर करें, और सब नए यूजर्स जो हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि उनके तक भी है वो सब पहुंच सके। अगला जो योजना है उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना। इस योजना के मुताबिक नई पैदा हुई बालिका की मां को लाभ मिलेगा। आवेदक बीपीएल सूची के तहत होना चाहिए या परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से कम होनी चाहिए। अगर परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से कम है तो आप इस योजना को आराम से आपको इस योजना का फायदा मिल सकता है। तो अगला देखते हैं उत्तर प्रदेश सरकार लड़की की माँ के लिए 50,000 रुपये देगी और सरकार 5,100 रुपये भी उम्मीदवार के बैंक के खाते में डाल देंगे। यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार के महिला कल्याण विभाग द्वारा आयोजित और कार्यान्वित की जाएंगी। जब लड़की 21 वर्ष की हो जाएगी तो उसके माता पिता को 2 लाख दिए जाएंगे। ये भाग्यलक्ष्मी योजना का बहुत ज़्यादा डिमांड इस समय चल रहा है और ये योजना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो पूछी जा रही है इंटरव्यू में। आगे और भी योजनाएं बहुत सारी हैं जो मैं डिटेल में नहीं बताया गया हूँ, जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने सबका नाम बता यहाँ पर लिख दिया है। किसान सेवा रथ योजना, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, नीली क्रांति योजना, उत्तर प्रदेश कौशल मिशन योजना। उत्तर प्रदेश कौशल मिशन योजना के में आप जानते हैं कि जो भी स्टूडेंट हैं वो सबको आज के हिसाब से कौशल देना है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक की तरफ हो या मोबाइल रिपेयरिंग हो या सिलाई हो कढ़ाई हो, हर तरह से कौशल मिशन के अंतर्गत चलाया जा रहा है। महिला कौशल विकास केंद्र में भी यही सब है, लेकिन ये सब जो है वो महिलाओं के लिए सिर्फ है। किसान पाठशाला योजना में ये बताया जाता है कि जैसे स्कूल में की छुट्टी, बच्चों की छुट्टी होने के बाद किसान लोगों का पढ़ाई कराया जाएगा, उसमें आधुनिक तरीके से कृषि करने के तरीके वगैरह और नई पैदावार की नीति वगैरह समझाई जाती है, पढ़ाई जाती है। अगला जो है कृषि छात्रवृत्ति योजना है, और आगे चलिए देखते हैं कल्याण अग्निकांड दुर्घटना सहायता, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछी जा रही है आजकल इंटरव्यू में। आग से फसल जलने पर 50,000 तक मुआवजा दिया जाएगा। आग से फसल जलने पर किसानों को अब पहले से अधिक मुआवजा मिल सकेगा। हालांकि इस गणना असली नुकसान इसकी गणना असली नुकसान के आधार पर होगी। नुकसान का आकलन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी करेगी। चूँकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मतलब कि खुद से ही आग लगा देते हैं खेत में मुआवजा पाने के लिए या थोड़े बहुत अनाज को, और फिर बाद में मुआवजा लेने के लिए
तैयार हो जाते हैं। तो इसी के लिए यहाँ पर जिला अधिकारी के अध्यक्षता में जो है वो जांच किए जाएंगे, कमेटी तैयार करके, ताकि कोई भी फर्जी किसी तरह से मुआवजा न ले सके। इसमें 1 हेक्टेयर फसल जलने पर अधिकतम 30,000 रुपये दिए जाएंगे, और 1 से 2 हेक्टेयर फसल जलने पर अधिकतम 40,000 रुपये, व उससे ज़्यादा फसल जलने पर अधिकतम 50,000 रुपये की मुआवजा मिलेगी। अगला जो योजना है मुख्यमंत्री कृषक कल्याणकारी योजना है, और इसके बाद है मुख्यमंत्री दुर्घटना सहायता योजना है। महत्वपूर्ण सूचना यह है कि जो लोग यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं जो भी वीडियो डालूंगा वो आप तक आसानी से पहुंच पाएंगे। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करने के साथ साथ तो आप लोग कमेंट जरूर करें कि मेरा वीडियो कैसा है, और जो भी गलतियाँ अगर हुई हों कहीं पर भी शायद बाय चांस, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बताएं कि हाँ ये गलती है या सही है, तो उसके बारे में बताएं और लाइक भी करें। धन्यवाद।